वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, वेज या नॉन वेज, कौन लोग सही हैं? एनिमल किलिंग जो है वो सही है या गलत, राइट और रॉन्ग? जानवरों को मारना, जानवरों को अपने फायदे के लिए यूज करना, और जो पेड़ पौधे हैं इनमें भी तो जान होती है, इनको फिर क्यों कट करते हैं? तो इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी इंसाइट लेंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अभी तक इसके बारे में लोगों को ज्यादा इंसाइट नहीं है और लोग अभी भी इसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्लैरिटी नहीं है अभी लोगों के अंदर इसको लेकर, इसलिए जो है वो लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेज और नॉन वेज का क्या है। कि जैसे वेज में होता है कि हम पत्ते वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं और सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो जो जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो आर्गुमेंट देते हैं कि वेज में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, या फिर इजिली जो है वो उस रेट पर अफोर्ड नहीं होता, चीपेबल नहीं होता और इजिली अफोर्डेबल नहीं होता, और क्वांटिटी भी जो होती है वो जो वेज फूड होता है उसमें क्वांटिटी जो होती है वो बाकी चीज़ों की ज़्यादा होती है, लेकिन जो है वो प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, जबकि जो नॉन वेज फूड है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है प्रोटीन की, और बाकी सारी चीज़ें भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एथिकल और मॉरल तरीके से, एथिकली और मॉरली अगर हम बात करें, तो वेज और नॉन वेज में क्या खाना ठीक है, क्या खाना ठीक नहीं है, इसमें हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है। अगर हम बात करें, अगर हम ये देख लेते हैं कि जैसे अगर हम खुद की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस को सफरिंग पहुंचाते हैं, ह्यूमंस को कट करते हैं, उनको मार के खाना इलीगल है ह्यूमंस को, क्यों? क्योंकि ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगेगी। वो सोचता है, समझता है, ठीक है, थॉट्स आते हैं उसके अंदर, तरह तरह की फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, जज करता है, एनालाइज करता है, मतलब मेंटली वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगेगा। हालांकि पेन एक सेंसेशन है, पेन तो एक सेंसेशन है, पेन होगा, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगेगा, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें एनिमल्स की, जैसे अगर हम चिकन्स की बात करें या फिर और भी एनिमल्स को जो है वो स्लॉटर किया जाता है, लोग खाते हैं, तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है, बट वो उस टाइप का पेन फील नहीं कर पाते, मतलब पेन फील करते हैं बट वो जो सेंसेशन है वो वही रहती है पेन की, लेकिन वो उनके अंदर उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इतनी सफर नहीं करती, उनकी कॉन्शियसनेस जो है वो इतना हाउ व्हाई इतना अवेयर नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतने इतना ज्यादा उनके अंदर चॉइस नहीं है, वो बस सेंसेशन पर रहते हैं और जो हो गया सो हो गया, वो मतलब किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। हालांकि ये भी रिसर्च का वो है, टॉपिक है कि क्या जो एनिमल्स वगैरह होते हैं क्या उनमें इस हद की कॉन्शियसनेस होती है, इस हद तक कि वो इतना सब कुछ फील कर पाए, इतना सब कुछ जो है वो समझ पाए, एनालाइज कर पाए। अगर ऐसा है तो फिर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि एनिमल्स को भी जो है वो पेन होता है, वो भी फील करते हैं, जबकि इसके बारे में भी कोई पूरी पक्की रिसर्च नहीं है, पूरा इसके बारे में जो है वो पूरा डाटा नहीं है कि एनिमल्स भी क्या सेम काइंड की सफरिंग फील करते हैं, क्योंकि ह्यूमन की जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन डिप्रेशन में भी जाता है, उसको जो है वो तरह तरह की मेंटली बहुत ज्यादा सफर करता है, इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा सफर करता है, इसीलिए इसके अंदर मॉरल और एथिकल चीजें आती है। लेकिन जब कोई एनिमल्स के अंदर कुछ मॉरल या एथिकल नहीं होता, एनिमल जो है वो कहीं भी सेक्स करने लग जाते हैं, किसी का भी झपट के खाने लगते हैं, गुस्सा, मतलब एनिमल्स के अंदर ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एनिमल्स को अगर ह्यूमंस अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो अब देखिए ये मेरा कोई पर्सनल व्यूज नहीं है, मैं ये सारी चीजें जो है वो आपको इनसाइट से समझ के, इधर उधर इधर उधर लोगों से सुन के और डिबेट वगैरह सुन के बता रहा हूँ, कि क्योंकि एनिमल्स जो है वो ज्यादा सफर नहीं करते, बट उनको उनकी कॉन्शियसनेस नहीं, सफर नहीं करती, वो सिर्फ सेंसेशन पर जीते हैं, तो ह्यूमंस अपने फायदे के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं, अपना प्रोटीन इनटेक जो है वो ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उनका यूज करने के लिए, उनका जो है वो डेली जो यूज होता है डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इन सारी चीजों में, तो इस तरह से ह्यूमन जस्टिफाई करते हैं अपने आप को। लेकिन अगर हम बात करें ट्रीज की, पेड़ पौधे, तो कई लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे भी मत खाओ, पेड़ पौधों को भी क्यों काटते हो? तो पेड़ पौधों का आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता, पेड़ पौधे जो है वो पेन फील नहीं करते। हालांकि कुछ लोग कहते
कहते हैं रिसर्च में ये बात आई है, थ्योरीज आई हैं कि पेन जो है, जो ट्रीज वगैरह हैं, जब पत्ती कटती है तो वो सिग्नल देती है, एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन होता है पेड़ पौधों में भी। एक पत्ती जब कटती है तो दूसरी पत्ती को सिग्नल देती है वो कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो पेड़ में जो है वो इस तरह का होता है सिग्नल देने का, लेकिन पेड़ कॉन्शियस नहीं है, उनके अंदर इतना नर्वस सिस्टम नहीं है। तो पेड़ को जो है वो लोग काट के अपनी डेली मर्रा जरूरतों के लिए यूज करते हैं, खाते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन, जैसे ही मैंने कहा कि वेजिटेरियन जो है वो बोलते हैं कि वेज ज़्यादा अच्छा है, उसमें जो है वो गिल्ट फ्री खाना है और हर तरीके से बैलेंस है। और जबकि नॉन वेजिटेरियन कहते हैं कि वेज जो है उसमें हमें इतना प्रोटीन नहीं मिलता, और कई लोग बोलते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो इतना टेस्टी नहीं होता। और कई लोगों का कल्चरल होता है, और कई लोगों का जो है वो डिपेंड करता है किस कंट्री में है, कहाँ पर वो पैदा हुए हैं, तो पुरानी कंडीशनिंग वो उनकी फिर एक तरह से हैबिट ही पड़ जाती है, फिर उनको नॉन वेज ही अच्छा लगता है, वेज इतना अच्छा लगता नहीं है उनको। और अगर एथिकली बात करें, मोरली बात करें, तो मोरली जो है वो एनिमल्स वगैरह उनमें उनकी कॉन्शियसनेस कम सफ़र करती है, उनको काट दो मार दो, उनको जो कुछ भी कर दो, उनकी कॉन्शियसनेस वो इतना सोचते समझते फील नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते, थिंक नहीं करते, वो जस्ट सेंसेशन पर लीव करते हैं। जबकि जो ह्यूमंस है, अगर उनको उनकी अगर कोई नीड पूरी नहीं होती है तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, मेंटली काफ़ी इमेजिनेशन में काफ़ी सफ़र करने लगते हैं। तो इसलिए हाँ, बट मैं इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर मैं क्लियर हूँ इस चीज़ पर लेकर कि एक एनिमल और एक ह्यूमन के बीच में अगर किसी को चुना जाए तो ऑफकोर्स वो एक ह्यूमन ही चुनेंगे, मैं इस चीज़ को लेकर क्लियर हूँ। बट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये पूरा डिबेट का मुद्दा है कि कौन ज़्यादा, कौन सा एनिमल ज़्यादा सफ़र करता है, तो उसको किस तरीके से जो है वो अपने यूज़ में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर, अगर आप देखेंगे, अगर आप एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की तरह देखेंगे, एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे, तो आपको, आप एथिकली भी इनको समझ पाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें अपने जाल में फंसाएगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं, रिवील करने लगते हैं अगेंस्ट में इसके, और जो है वो खुद की कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा सफरिंग देने लगते हैं और तरह तरह के केसेस लड़ते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। सो देखिए, पर्सन टू पर्सन है और अभी इतनी ज़्यादा रिसर्च आई नहीं है। अगर ऐसा साबित हो जाता है लेकिन कि एनिमल्स में भी सेम काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम है, वो उस तरह से रिएक्ट करता है जैसे ह्यूमंस करते हैं, सोचते हैं समझते हैं, हालांकि ये इतना तो हो चुका है कि अभी इतना पॉसिबल नहीं है ये कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर, और हमें इनके बिहेवियर से भी दिखता है कि एक अगर एक कुत्ता है उसके बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो कुत्ता जो है वो इतना सफ़र नहीं करता, रोता नहीं है, जो है वो इतना ज़्यादा खाना पीना नहीं छोड़ता है, वो दोबारा से वो अपनी डेली यूज़ में, या फिर कुत्ते का कोई बच्चा खो जाता है तो वो नहीं, लेकिन ह्यूमन बहुत ज़्यादा सफ़र करना है। किसी के सन की डेथ हो जाए, किसी का सन जो है वो खो जाए, तो इट्स अ वेरी, मतलब मैं कह नहीं सकता किस खतरनाक लेवल की सफरिंग होगी। तो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं कॉन्शियसनेस में अपनी, तो कॉन्शियसनेस देखी जाती है। और पेड़ पौधों का आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं, वो पेन फील नहीं करते, इसलिए उनको ईजी कट करके हम खा सकते हैं। सो ये डिबेट की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत मैं इंसाइट आपको दे पाया हूँ इससे, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।